डांस ना। अरे अरे क्रिश, अरे करो, कम ऑन डांस। इतना क्यों हंस रही हो? वो दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और पलकी को देखो, कितनी सुंदर लग रही है। ना, मेरी डांस पार्टनर जितनी सुंदर नहीं है। कुछ भी। अरे डांस। पलकी, एक डांस अरमान के भाई के साथ। श्योर। दिया, कम। करते करते बोर हो गए और हमें कुछ खाने को भी नहीं मिला। पहले केक कटेगा, फिर खाने को मिलेगा, पेटू राम। अच्छा, उससे पहले आप सबको कोल्ड ड्रिंक चाहिए क्या? ओके ओके, सब आओ मेरे पीछे। अच्छा अच्छा, अभी सब बाहर जाके पियो। आ जाओ बाहर जाके पियो, वहां जाके खेलो पियो। अरे ये क्या कर दिया? ये लेटर तो चिंटू, उसे चिट्ठी मिल गई। पर कौन सी वाली है, तेरी वाली या दूसरी? जाने मन, मैं तुम्हें रोज स्कूटी पे जाते देखता हूँ और तुम पे फिदा हो गया हूँ। मैं दीवानों की तरह तुम्हें चाहने लगा हूँ और तुम्हें अपना बनाऊंगा। अगर तुम्हें भी मेरे साथ चक्कर चलाना है तो कल लाल दुपट्टा पहनकर जामा मस्जिद के पास वाली टपरी पर आ जाना। दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। मेरी बीवी शानू रोज 4 से 6 किट्टी पार्टी जाती है, तो क्यों ना तुसी आ जाया करो घर, दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। मुबारक हो मम्मी, दिया को मेरी चिट्ठी मिली है, भाई की नहीं। चलो हमारा काम तो हो गया। क्या हुआ मम्मी, आप खुश नहीं है? दिया नाम का रोड़ा हमारे रास्ते से हट गया है।
और पलकी के लिए लाइन क्लियर हो गई है। मैं ये जो भी कर रही हूँ ना पलकी के लिए कर रही हूँ ना दिया के लिए कर रही हूँ, मैं ये सिर्फ मेरे अरमान के लिए कर रही हूँ। और उसे खुशियाँ देने की जगह हम उसे दुख तो नहीं पहुँचा रहे। भाई को अगर इस बार बुरा लग रहा है तो लगने दीजिए मम्मी, ये सब हम भाई की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। भाई की पिछली शादी उनकी अपनी चॉइस से हुई थी मम्मी, और फिर क्या हुआ था आपने देखा ही ना। हाँ दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? थप्पड़ क्यों मारे मुझे? क्यों मारे थप्पड़? समझते क्या अपने आप को? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा रख। आज के बाद अगर तूने दिया पे या किसी और लड़की पे हाथ उठाया ना या आंखें भी उठाई तेरा हाथ तोड़ दूंगा मैं। ये अच्छा, एक तो लड़की जबरदस्ती थप्पड़ मारती है और ऊपर से उसका मजनू। मजनू किसने बोला? अब तो हद हो गई। देखो ये मोहल्ले वालों, देखो ये 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 क्या गुंडा करती चल रही यहाँ पर। पहले इसको पूछा कि थप्पड़ क्यों मारा इसने मुझे। इसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह जानता हूँ तू जैसे छोरों को लड़कियाँ क्यों मारती हैं। छोटी बहन के साथ रिश्ते की बात चल रही है और बड़ी बहन के साथ पीके पढ़ाई जा रहा है। इस कंधे मुंह से एक शब्द और निकाला ना जान से मार दूंगा। मुंह बंद रख। किस चीज का मुंह बंद करोगे तुम? सब तो बोलेंगे ही ना। तुम्हें किसने कहा था बीच में आने के लिए? हर बार बीच में चले जाते हो। मेरी लाइफ की प्रॉब्लम मैं खुद सुलझा सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई कोई सुपर हीरो बॉडीगार्ड हो मेरे जो हर वक्त मेरे साथ चले आते हो? चाहते क्या हो तुम? मैं मेरी लाइफ में जिस तरह से जी रही हूँ बहुत खुश हूँ। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो अरमान प्लीज। ठीक ठीक है दिया, तुम्हें प्रॉब्लम है ना कि तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करता हूँ, बीच में आता हूँ, यही चाहती हो ना? छोड़ दो, छोड़ दिया। बड़ा हीरो बनने चला था, है कौन ये? अच्छा हुआ तुमने उसकी अकल ठिकाने लगा दी। यहाँ भी नहीं है अरमान, पता नहीं कहाँ गए। दियादी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मुझे केक काटना है। भाई ऊपर भी नहीं है। अरे तो जाओ ढूंढो कहाँ है, ऐसे केक काटना है। मैं बाहर देख के आता हूँ। ये अरमान भाई को देखा? दी दी क्या हुआ? गाड़ी निकाल। लेकिन मम्मी सुनो तो। मैंने जो कहा सुनो, गाड़ी निकालो। ओके मैम। दी आई हो? ओके क्या हुआ? दी दी दरवाजा खोलो। क्या हो गया? आप रो रहे हो क्या? दी आप रो, आप तो हंस रहे हो, मुझे लगा आप रो रहे थे। अरे रोई मेरे दुश्मन, वो तो मेरी ड्रेस का कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं सेफ्टी पिन से ठीक करने यहाँ पर आई हूँ। तू जा, मैं 2 मिनट में आती हूँ। जल्दी आओ। हाँ ओके।
फर्स्ट बॉक्स लेकर जल्दी फर्स्ट किट लेकर भाई क्या किया आपको आपको बीच में रहने के लिए किसने बुरा था लगवा लिया ना बीच में तो मैं हमेशा ही रहूंगी तुम्हारे बेटा हमेशा तेरे और तेरी तकलीफ के बीच में खड़ी रहूंगी मां हूं मैं तेरी स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन